वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड स्टॉक की बात किया तो रिसेंटली देखा जाए तो 9.50 पे ट्रेडिंग कर रहा है वोडाफोन आइडिया स्टॉक, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं खास मूवमेंट आज देखने को नहीं मिली। वोडाफोन आइडिया स्टॉक में हल्की सी गिरावट भी यहाँ पे देखने को मिले। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 पैसे की गिरावट हो चुकी है, 1.05% की गिरावट देखने को मिले वोडाफोन आइडिया स्टॉक में आज के दिन में। तकरीबन आज गैप अप से ऊपर ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद यहाँ पे तुरंत गिरावट देखने को मिली थी। जो प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ पे सपोर्ट एक्ट था उसको भी ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाई तो फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली वोडाफोन आइडिया स्टॉक के अंदर आज के दिन में। वैसे भी ओपन हुआ था आज 9.65, हाई बनाया था 9.65 का और लो है 9.40 का। मार्केट कैप 30,000 करोड़ के ऊपर वोडाफोन आइडिया स्टॉक का। पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख रहे हैं तकरीबन 5% अप है और रिसेंटली यहाँ पे 24 मूवमेंट बना के रखी है। तो रिसेंटली चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो इस मंथ में देख सकते हो कि मंथली जो प्यूट था यहाँ पे आप देख सकते 9.30 लेवल पे था, तो उसके ऊपर ओपन हुआ था आज वोडाफोन आइडिया स्टॉक इस मंथ में। उसके ऊपर ओपन होने के बावजूद यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का लाइन दिखाई दे रहा है वो है 50 मूविंग एवरेज डेली चार्ट फ्रेम, उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट हो रहा है। कल भी एक्ट हुआ, आज भी एक्ट हो रहा है। जबकि वो लेवल को ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर 10 लेवल तक इजीली जा सकता है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंथली प्यूट के ऊपर सेटल होता है तो फिर तो भी यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है वोडाफोन आइडिया स्टॉक में। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए।